अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बीएस मैथ फोर्थ सेमेस्टर, हमारे पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, लेक्चर नंबर टू है इसका। लेक्चर नंबर टू में हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी और साइकोलॉजी एज अ प्रोफेशन। ठीक है, सो साइकोलॉजी की ब्रांचेज कितनी है? साइकोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। एक है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और एक है अप्लाइड साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है? डील्स विद द रिसर्च आंसर व्हाई एंड व्हाट। के एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, तजर्बा करना। ठीक है, अच्छा कोई चीज क्या है और क्यों है, उस चीज के बारे में जानना और उसका एक्सपेरिमेंट करना क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। किसी चीज को यूं समझ लें जानना, उसकी खोज लगाना, रिसर्च करना उसके बारे में। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजी अप्लाइज द रिसर्च इंक्लूड्स काउंसलिंग, थेरापिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। यानी हाउ, यहाँ पे हम आंसर किस चीज़ का ढूंढेंगे, हाउ। एक्सपेरिमेंटल में व्हाट क्या है, और अप्लाइड में क्या ढूंढेंगे, हाउ कैसे है। कि अगर किसी को कोई डिसऑर्डर है, कोई मरीज है, वो थेरापिस्ट के पास गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास गया है, तो उसको क्या मसला है, उस मसले को जानना कैसा मसला है, ये क्या होती है, अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, पहला है एक्सपेरिमेंट यानी किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना, फिर है अप्लाइड, फिर उस चीज़ को अप्लाई करना। ठीक हो गया, यहाँ पे थेरापिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग। मिसाल के तौर पर आप साइकोलॉजिस्ट से कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आपको बताएगा कि जिस चीज़ का मशवरा लेंगे उसको कैसे करना है, यानी हाउ का आंसर ढूंढेंगे। तो शॉर्टकट एक्सपेरिमेंटल और अप्लाइड दोनों के वर्ड से जाहिर है, एक्सपेरिमेंटल में हम तजर्बा करेंगे, चीज को जानेंगे, और अप्लाइड में हम फिर उसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज अ प्रोफेशन। इसके काफ़ी सारे प्रोफेशन हैं, यहाँ पे मैंने इसके 9 प्रोफेशन लिखे हैं। सो फर्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये कौन होता है? दे ट्रीट द पर्सन पेशेंट थ्रू ओरल डिस्कशन एंड डू नॉट प्रेस्क्राइब द मेडिसिन। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो अपने पेशेंट को, मरीज को सिर्फ डिस्कशन से जो है ना ट्रीट करता है, ओरल डिस्कशन यानी बातचीत से, उससे बातचीत करके उसे मशवरे देता है और उससे बातचीत करके उसे क्या करता है, ठीक करता है। अक्सर अवकात आपने देखा होगा कि एक आदमी है, वो उसके पास, आप टीवी ड्रामा वगैरह में देखते होंगे, साइकोलॉजिस्ट के बाद एक मरीज गया है तो वो जो है ना एक लाटू लेके उस बंदे को कहता है आप आंखें बंद कर लो, बल्कि आंखें बंद करने से पहले उसे लाटू उससे बंधा होता है, वो रस्सी से उसके सामने घुमाता है उसे, उसे कहता है मैं सो रहा हूँ, और फिर वो ऐसा ऐसा कहता है, उसे कहता है आंखें बंद करो, फिर उससे सारी बातें पूछता है। इस तरह की जो ओरल डिस्कशन वाला होता है उसे हम कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फिर है साइकेट्री। अच्छा, ये ओरल डिस्कशन में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है मेडिसिन नहीं देता, ये सिर्फ ओरल डिस्कशन करता है। साइकेट्री, साइकेट्री क्या होता है? दे ट्रीट द पेशेंट थ्रू मेडिसिन एज वेल एज ओरल डिस्कशन। ये जी ओरल डिस्कशन भी करता है और मेडिसिन भी देता है। कोई मेंटल डिसऑर्डर है किसी को तो आप साइकेट्री के पास लेके जाएंगे तो फिर वो मेडिसिन भी देगा और उससे पहले उससे का हाल जानने के लिए उससे ओरल डिस्कशन करेगा कि हाँ इसे किस तरह का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो इस्तेमाल करता है, ओरल डिस्कशन भी और मेडिसिन भी देता है, उसे हम साइकेट्री कहते हैं। उसके बाद आ जाए डिवेलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ये साइकोलॉजिस्ट यूँ समझ लें आपके अगर आप किसी अच्छे घराने में, बड़े घराने में पैदा हुए हैं तो आपकी अच्छी ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, वो यूँ समझ लें एक बच्चा है बड़े घराने का लेकिन वो डिसऑर्डर में पैदा हुआ है। ठीक है, तो उसको बेहतरीन नशोनुमा के लिए उसको एक साइकोलॉजिस्ट को प्रेस्क्राइब किया जाता है और उस साइकोलॉजिस्ट को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, जो कि उस बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करेगा, उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, उसके बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक उनको क्या करेगा, स्टडी करेगा और उन्हें चेंज करने की कोशिश करेगा और उसे नॉर्मल हालत में लाने की कोशिश करेगा, उसे हम कहेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, जो बच्चों की बचपन से लेकर
बड़ी एज तक उनकी आदत को आइडेंटिफाई करते हैं या उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो डिसऑर्डर में है और बड़ी एज में पहुंच चुका है, तो आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, तो बचपन से लेकर उस वक्त तक पूछता सब कुछ पूछेगा और स्टेप बाय स्टेप उसे क्या करेगा, चेंजेस में लाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट नाम से जाहिर है एजुकेशन के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उनके एडमिशंस को, उनके बिहेवियर को, उनकी परफॉर्मेंस को, कि एक बच्चा क्लास में अच्छा है, एक बच्चा डल है। जैसे हमने एक बीमारी पढ़ी थी डिसलेक्सिया, कि अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है तो वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता, रिवाइज नहीं कर पाता, और एक बच्चा बहुत ही अच्छा है तो उसको तो नहीं प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया वाले के प्रॉब्लम, तो उसको हम किसके पास लेके जाएंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, देखिए कम्युनिटी से जाहिर है कि कम्युनिटी को कंट्रोल करता है, यानी दे आइडेंटिफाई द पर्सन हु स्टे अवे फ्रॉम कम्युनिटी, एक ऐसा इंसान जो कि माशरे से दूर रहता है, अलग थलग रहता है, तनहाई पसंद है, तो क्या करेंगे फिर वो साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, तो वो उसे आइडेंटिफाई करेगा पहले और फिर उसे माशरे से कनेक्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। इंडस्ट्री से जाहिर है कि इंडस्ट्रीज में वो काम करते हैं और उनको वर्कर्स को ट्रीट करते हैं, तो दे वर्क इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में काम करते हैं, वर्कर्स और एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं, ठीक है। दे वर्क ऑन लीडरशिप, मैनेजमेंट प्लान, सैलरी पैकेजेस, अप्स एंड डाउन, मेंटल स्ट्रेस ऑफ वर्कर्स। तो लीडरशिप कैसी होनी चाहिए उसको जो है ना कंट्रोल करते हैं, बताते हैं उस कंपनी के मालिक को। मैनेजमेंट प्लान्स भी उनसे पूछ के बनाए जाते हैं, सैलरी पैकेज किस तरह के होने चाहिए, उसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं उस कंपनी के, ठीक है, उसको कवर करते हैं। मेंटल स्ट्रेस ऑफ वर्कर, वर्कर्स के मेंटल स्ट्रेस को कवर करते हैं, उनको मतलब यूँ समझ लें स्ट्रेस में नहीं आने देते, दबाव में नहीं आने देते, उनको परेशान नहीं होने देते, उनको यूँ समझ लें के खुश रखते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च पे काम करते हैं और करंट इश्यूज में नई नई बातें जो ईजाद होती जाती हैं उन पे भी ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट है जी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। फॉरेंसिक लैब आपने अक्सर सुना होगा, अगर सीआईडी आप देखते हैं तो वहाँ पे भी आप फॉरेंसिक लैब सुना होगा। फॉरेंसिक लैब यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का क्रिमिनल से मुतालिक जो टेस्ट होता है उसको फॉरेंसिक लैब में ले जाया जाता है, ठीक है, क्रिमिनल्स का टेस्ट। तो दे वर्क विद क्रिमिनल्स, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ दे वर्क विद क्रिमिनल्स, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिमिनल्स मुजरिमों के साथ काम करते हैं, मुजरिमों के साथ का मतलब है मुजरिमों को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, इट्स मीन आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, कि वो जो जराइम पेशा लोग होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके आदत को जानने की कोशिश करते हैं उनके बातचीत के जरिए कि किस तरह का क्रिमिनल है, या अगर किसी को आपने पकड़ लिया है तो फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये क्रिमिनल है या नहीं है, या बेगुनाह है बेचारे को आप ऐसे पकड़ के ले आए। नेक्स्ट लास्ट में है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। प्लेयर्स के साथ ये जी काम करते हैं, प्लेयर्स को हेल्प करते हैं, उनके इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके इमोशनल स्ट्रेस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये थे जी हमारे पास 9 किस्म के, यूँ समझ लें प्रोफेशंस जो कि साइकोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, और इसकी ब्रांचेस भी आज हमने 2 पढ़ी, जो कि क्या थी एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।